इट्स मी। हेलो होमो सेपियंस, ये सारी इमेजेस ओनली एंड ओनली HTML और CSS की हेल्प से बनाई गई है। यस, ओनली एंड ओनली HTML और CSS। ये CSS आर्ट एक फॉर्म ऑफ आर्ट है जिससे हम जो कोडर्स होते हैं ना, वो अपने स्किल्स को फ्लेक्स कर सकते हैं कि देखो यार, मतलब मुझे कितना कुछ आता है, और तुम देखो तुम्हें रत्ती भर भी कुछ नहीं आता, बैकग्राउंड कलर सेट करके तुम खुश हो जाते हो। ये फर्स्ट वाली को इग्नोर करो, हम अच्छे बच्चे हैं। तो अगर तुम्हारे पास भी वो आर्टिस्टिक स्किल्स है तो तुम भी ये क्रिएट कर सकते हो। यस, क्यों नहीं, मुझे तुम्हें भरोसा है। बस एक कंडीशन है कि जब तक तुम्हारी ये इमेज क्रिएट होगी तब तक तुम्हारे जो पढ़ पोते हैं ना, आप पोते कह सकते हो, उनकी जो स्कूलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। यस, बस एक ही कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं है। तो चलिए अब इनको एक एक करके मतलब इंस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं कि इनका कोड रिटर्न कैसे है। मतलब इस वाले के लेते हैं, ऊपर वाले नहीं, छोटे छोटे उसको नहीं देखते। अब ये है ना, तो इसके लिए आपको इस URL पे आ जाना है। डायना एड्रियन, इन्होंने इसे क्रिएट किया है। मतलब कितनी प्यारी इमेज क्रिएट की है ना, जस्ट सी मैन व्हाट अ ब्यूटी। इमेज की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसे अपन राइट क्लिक करें तो अब अपन पास इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे कितनी लाइंस ऑफ कोड लिखी गई होगी, जस्ट सी। अब जैसे कि अपन चिन हेयर, मतलब बालों पे, चलो बालों पे क्लिक करें, चलो इनकी जो आई राइट है, अब आई राइट पे क्लिक करें, इस पे देखो कितने सारे डिविजन्स लिखे गए हैं। अब अपन हेयर पे क्लिक करते हैं, बालों पे देखें तो बाल के लिए कितनी ज़्यादा लगी हुई डिटेल्स देखो तुम। और इन जैसे अपन इस डिवीजन पे क्लिक करें तो अब देखो इन पे कितनी ज़्यादा डिटेलिंग लगी है, हाइट, वेट, पैडिंग, जो बैकग्राउंड कलर और पता नहीं कौन से कलर्स, पता नहीं कितनी ज़्यादा डिटेलिंग लगी होगी, थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड लिखा गया होगा। तो सी मैन, मतलब कितनी ज़्यादा मेहनत लगी होगी इसे बनाने में। तो ये चीज़ है CSS की पावर। यस, CSS की पावर। अब ऐसे ही आप कितनी सारे इमेजेस हैं इनको इंस्पेक्ट कर करके देख सकते हो। जैसे ये वाली इमेज है, इसको इंस्पेक्ट करके देख सकते हो, और भी काफ़ी सारे इमेजेस होंगी, मतलब कितनी अच्छी अच्छी इमेजेस बनाई हैं। अब चलो अपन एक और वेबसाइट पे आते हैं। इस पे आए तो आप देख सकते हो कि जो टॉप 10 या फिर मतलब जो बेस्ट जो CSS की हेल्प से बनाई गई है ना पिक्चर्स, जो इमेजेस बनाई हैं वो कितनी, मतलब जो टॉप 10 के लिए सकते हो। फर्स्ट पे मोनालिसा बनाई है किसी ने, फिर ये अपनी डायना स्मिथ, और ये जय सेल्वेट। ओके, अब ये देख सकते हो आप, यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से। सो मतलब अगर ये बनना है तुम्हें तो बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते, इन लोगों ने भी तो बनाई है। बस याद रखना जो मैंने बात कही थी, पढ़ पोते वाली, पोते वाली जो भी थी। सो आई गेस दिस वॉज द वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल एक्सप्लोर समथिंग न्यू।